आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि वोटर आईडी कार्ड कैसे डाउनलोड किया जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ओपन करना है। यहाँ टाइप करेंगे NVSP, एंटर करेंगे, फर्स्ट वाला लिंक पर क्लिक करेंगे, इसे लॉगिन करेंगे। अगर आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड है तो लॉगिन करेंगे, वरना यहाँ जनरेट डोंट हैव अकाउंट रजिस्टर्ड पर क्लिक करेंगे। यहाँ से एक यूजर आईडी बना लेंगे, चलिए आपको हम फिल करके दिखाते हैं। यहाँ मोबाइल नंबर डाल के कैप्चा डालेंगे, उसके बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। ओटीपी फिल करने के बाद वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे। यहाँ से नाम लेंगे, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड चूज करके रजिस्टर्ड पर क्लिक करेंगे। अगर आपके पास वोटर आईडी नंबर है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, वरना नहीं है तो यहाँ क्लिक करके ये इसको फिल करेंगे। मेरे पास है तो हम यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपना एपिक नंबर डालेंगे, या ईमेल आईडी, या पासवर्ड चूज करके रजिस्टर्ड पर क्लिक करेंगे। और रजिस्टर्ड करने के बाद आपके पास एक ओटीपी आएगा, ओटीपी फिल करेंगे और एंटर करेंगे तो आपके नंबर पे यूजर आईडी और पासवर्ड भेज दिया जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है तो हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे। यहाँ लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद यहाँ हम मोबाइल नंबर डालेंगे, यहाँ पासवर्ड डालेंगे, यहाँ कैप्चा डाल करेंगे, यहाँ कैप्चा डाल के यहाँ लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करेंगे, यहाँ लॉगिन करने के बाद यहाँ ईपिक डाउनलोड पे क्लिक करना है। यहाँ से हम एपिक नंबर डालेंगे। अगर आप नया वोटर आईडी कार्ड बनाए हैं, आपके पास रेफरेंस नंबर है तो यहाँ फिल करेंगे, वरना एपिक नंबर यहाँ पे फिल करेंगे। और उसके बाद यहाँ से स्टेट चूज करेंगे और सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ यूजीएल नंबर डाल दिए हैं, स्टेट ले लिए हैं, यहाँ से सर्च पे ऑप्शन क्लिक करेंगे। हमारा यहाँ आ गया है, यहाँ पे सेंड ओटीपी कलेक्ट, यहाँ ओटीपी फिल करके वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ कैप्चा डालेंगे और डाउनलोड ईईपी पे क्लिक करेंगे। यहाँ डाउनलोड हो गया है, कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आ गया। यहाँ से पीडीएफ भी डाउनलोड हो चुका है, इसको ओपन करेंगे और देखिए हमारा यहाँ डाउनलोड हो चुका है।